आज हम जितने भी प्लांट्स की बात करेंगे ये इतने खूबसूरत, रंगीन और कलरफुल हैं कि ये हमारे गार्डन में फूलों की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हर मौसम में ये हमारे गार्डन में इसी तरीके से कलरफुल दिखाई देंगे और बड़े ही खूबसूरत और वाइब्रेंट लुक प्रोवाइड करते हैं हमारे गार्डन को। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए सो दैट कि आप सारे कलरफुल प्लांट को एक साथ देख पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। वंस अगेन वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग रंगीन पत्तियों वाले पौधों को देखेंगे, कलरफुल लीफ और फॉलिएज वाले प्लांट हम देखेंगे जो परमानेंट है। एक बार हमारे गार्डन में आने के बाद ये सालों साल बने रहते हैं। ये सारे प्लांट जो होते हैं ऑर्नामेंटल होते हैं, काफ़ी डेकोरेटिव होते हैं, जिस वजह से ये हमारे घरों में इंटीरियर को भी काफ़ी कलरफुल प्रोवाइड करते हैं लुक। और अगर हम इसे बाहर भी लगाते हैं तो उसे भी ये बहुत रंगीन और कलरफुल बनाते हैं। एंड इन्हें देखने से ही लगता है जैसे हमारा गार्डन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, हरा भरा और रंगीन दिखाई देता है। इनमें से कुछ प्लांट मैंने इंडोर एंड कुछ आउटडोर पार्शियल शेड में रखे हैं। डायरेक्ट सनलाइट में इन्हें नहीं रखेंगे क्योंकि ये कलरफुल लीफी प्लांट हैं। अगर तेज़ धूप में डायरेक्ट सनलाइट में रहेंगे तो इनके लीफ जो होते हैं बर्न हो जाएंगे, डेकोरेटिव लीफ जो होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी एंड आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह की गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नंबर वन पे आप ये खूबसूरत से दो कलर शेड में ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है सेफलेरा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सेफलेरा प्लांट है जिसे हम हाउस प्लांट के रूप में भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसे हम अम्ब्रेला प्लांट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि लुक वाइज ये ऊपर से देखिए थोड़ा सा अम्ब्रेला की शेप में होता है। काफ़ी खूबसूरत पत्तों वाले ये पौधे होते हैं और ये फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं क्योंकि देखने में भी ये देखिए थोड़ा सा लग रहा है जैसे फूल खिला हुआ है इसमें। ये है ग्रीन वेराइटी सेफलेरा की, जिसमें सिंगल कलर होता है ग्रीन कलर का और इसके अलावे इसमें वेरीगेटेड वेराइटी होती है जो दो कलर शेड में होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल रंगों वाले ये पत्ते और ये कितना खूबसूरत और बूशी लग रहा है। ये हमने पार्शियल शेड में रखा हुआ है आउटडोर, बट इसे इनडोर भी रख सकते हैं। ये ड्रेसना प्लांट है एंड काफ़ी खूबसूरत और डेकोरेटिव होता है। ड्रेसना में भी ढेर सारी वैरायटी होती है, वेरीगेटेड वैरायटी होती है। रेड ड्रेसना हाउस प्लांट में काफ़ी पॉपुलर है, ये परमानेंट और हार्डी होते हैं। ये जो खूबसूरत लीफ वाले प्लांट आप देख रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखें तो ये काफ़ी डिज़ाइनर है एंड इसके लीफ पर इस तरीके से मोर के पंख के डिज़ाइन बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मैरांटा प्लांट जिसे हम प्रेयर प्लांट के नाम से भी जानते हैं और इसके लीफ इतने डिज़ाइनर और खूबसूरत होते हैं कि इसे पिकॉक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। एंड ये कम्प्लीटली इंडोर प्लांट होता है, बहुत तेज़ धूप में बिल्कुल ना रखें, अदरवाइज़ इसके जो लीफ होते हैं वो फेड हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम ढेर सारे रंगीन खूबसूरत से क्रोटोन प्लांट देख रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्रोटोन की भी ढेर सारी वेराइटी होती है, लॉट्स ऑफ स्पेसीज होते हैं एंड इनके लीफ जो होते हैं काफ़ी डिज़ाइनर होते हैं एंड इस पर डॉट्स वगैरह बने होते हैं, कलरफुल होते हैं, बहुत सारे रंगों में होते हैं। एंड ये प्लांट भी आप चाहें तो अपने गार्डन में इन्हेंस कर सकते हैं। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं विंडो ब्राइट लाइट में, या आप इसे आउटडोर भी रख सकते हैं। ये तेज़ धूप एंड सर्दी गर्मी सभी में काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। एवरग्रीन प्लांट होते हैं क्रोटोन। खूबसूरत से जो प्लांट है ये है पोल्का डॉट प्लांट भी बड़ा ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसपे डॉट्स वगैरह बने होते हैं, पोल्का डिज़ाइन बनी होती है, जिस वजह से इसे पोल्का डॉट के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी बहुत सारे कलर शेड होते हैं, पिंक, रेड, ग्रीन। ये पोल्का डॉट प्लांट है और आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, कितना खूबसूरत कलर शेड है इस पर। ये परमानेंट प्लांट होते हैं, वेरी हार्डी एंड लो केयर प्लांट होते हैं एंड ये सेल्फ ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं, छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट आते रहते हैं जब इसके सीड से नए नए प्लांट आते हैं। ये प्लांट है ड्रेसना और देखिए ये दो कलर शेड में है, पतले से इसके ये लीफ हैं एंड कलरफुल लीफ है। ये काफ़ी खूबसूरत है, हाउस प्लांट में काफ़ी पॉपुलर है।
ये खूबसूरत से डिज़ाइनर लीफ वाले जो प्लांट है ये है कोलियस, और कोलियस में भी ढेर सारी कलर और वैरायटी होती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये रंगीन कलर होते हैं इसके, लाल, बैगनी और ग्रीन, ये बहुत अच्छे लगते हैं हमारे गार्डन में, एकदम डिफरेंट और कलरफुल लुक प्रोवाइड करते हैं, सभी को ये पसंद होते हैं। नर्सरी में सस्ते दामों पर ये मिल जाते हैं। समर सीजन में ये बहुत अच्छी ग्रोथ में होते हैं, पार्शियल शेड में ये बहुत अच्छे से चलते हैं एंड ये फ्लावरिंग भी करते हैं। ग्रीन एओनियम सॉकुलेंट हमने काफ़ी देखा है एंड ये देखिए कितना शाइनिंग है इस पर, ये सॉकुलेंट होते हैं। टॉप में ये इस तरीके से फ्लावर की तरह दिखाई देते हैं और ये जैसे जैसे बड़े होते हैं ट्री का शेप ले लेते हैं, इस तरीके से बोनसाई बन जाते हैं। ये कितने सारे इसमें फ्लावर आए हुए हैं आप देख सकते हैं। बट ग्रीन एओनियम के अलावे ये खूबसूरत और कलरफुल ब्लैक एओनियम भी होता है, आप इसके लीफ देख सकते हैं एकदम ब्लैक कलर में है एंड जो टॉप पे है हल्का ग्रीन शेड है इसके फ्लावर पे, और इस तरीके से ये काफ़ी डेकोरेटिव भी लगते हैं, शाइनिंग भी होती है इनके लीफ पर। सो एओनियम भी बड़ा ही कलरफुल फॉलिएज प्लांट होता है ब्लैक और ग्रीन में। यहाँ खूबसूरत से जो हमें प्लांट दिखाई दे रहे हैं जिसमें बड़े बड़े लीफ हैं और खूबसूरत से शेड बने हुए हैं, ग्रीन लीफ में येलो शेड है, इसको हम बोलते हैं डिफेनबेकिया, और ये बड़े बड़े लीफ वाले प्लांट होते हैं जो कम्प्लीटली इंडोर प्लांट होते हैं एंड इसमें वाटरिंग भी हमें कम देनी होती है, लेस वाटरिंग में काफ़ी अच्छे से ये मैनेजेबल होते हैं। तभी ये हाउस प्लांट में काफ़ी पॉपुलर हैं और इनके बेबी प्लांट और डिवाइड करके भी हम इनको प्रोपगेट करते हैं। यहाँ पर है रबर प्लांट जो वेरिएटेड वैरायटी है। ये डिज़ाइनर लीफ वाले प्लांट जो है ये है फिलेडेंड्रॉन, और फिलेडेंड्रॉन में भी ढेर सारी वैरायटी होती है, पॉपुलर हाउस प्लांट होते हैं जिनको पार्शियल शेड में आउटडोर भी हम रख सकते हैं। इनको हमें जो होता है पेट्स वगैरह से थोड़ा सा बचा के रखना होता है, थोड़ा सा पॉइजनस होते हैं एंड मंथली फर्टिलाइज भी इनको हम दे सकते हैं। ये प्लांट जो होते हैं इनको भी रिपोर्ट करना होता है जैसे जैसे इनकी साइज़ बड़ी हो जाती है, बट ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर ग्रीन सिंगोनियम है, पिंक सिंगोनियम भी होता है जो वेरिएटेड होता है एंड ये खूबसूरत सा एक क्यूबा प्लांट है जिसपे ग्रीन लीफ है और येलो डॉट बने होते हैं, देखिए कितना डेकोरेटिव लग रहा है, शाइनिंग भी है इसमें बहुत, ये भी हाउस प्लांट होता है। यहाँ पे हम पर्पल कलर के लीफ वाले प्लांट देख सकते हैं जिसमें फ्लावर भी आते हैं लाइट पिंक कलर के या लाइट पर्पल कलर के भी फ्लावर हम बोल सकते हैं, और ये जो होते हैं पर्पल हार्ट प्लांट होते हैं जो परमानेंट होते हैं, इनकी कटिंग भी ईजिली लग जाती है, बास्केट से लेकर छोटे छोटे पॉट में भी ये ईजिली ग्रो कर सकते हैं, इसको भी हम पार्शियल शेड में ग्रो कर सकते हैं। रेड कलर की ये लीफ देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है, ये है चाइनीज एवरग्रीन, बहुत सारे कलर में भी होते हैं जैसे रेड ग्रीन, और इनके लीफ देखिए कितने खूबसूरत और डेकोरेटिव है, शाइनिंग भी होती है इनके लीफ में, और ख़ास बात ये है कि इसमें फ्लावर भी आते हैं। चाइनीज एवरग्रीन एग्लोनिमा फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें बहुत सारे कलर शेड होते हैं। यहाँ पे है पीस लिली, ये भी बड़ा ही खूबसूरत इंडोर प्लांट होता है जिसमें रेड येलो वाइट कलर के फ्लावर भी आते हैं, और ये भी पॉपुलर हाउस प्लांट होते हैं, इसके लीफ भी बड़े ही डेकोरेटिव होते हैं। यहाँ पे है जेड जेड प्लांट, ये भी बड़ा ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है जो इसके लीफ होते हैं काफ़ी डिज़ाइनर और शाइनिंग वाले होते हैं। ये है सेंसीवेरा या स्नैक प्लांट, ये भी काफ़ी डिज़ाइनर होते हैं, इनके लीफ भी वेरिएटेड होते हैं और अलग अलग रंगों में होते हैं, बहुत सारे कलर शेड में भी मिल जाते हैं। इस तरह से सेंसीवेरा की भी अनेकों डिज़ाइन और वैरायटी होती है। ये कलरफुल लीफ वाले प्लांट हैं रियो या बास्केट प्लांट भी बोलते हैं, हैंगिंग बास्केट से लेके मीडियम साइज़ के पॉट में इसे हम हाउस प्लांट के रूप में डेकोरेट कर सकते हैं, आउटडोर इसे हम पार्शियल शेड में लगा सकते हैं, और इसके लीफ काफ़ी डेकोरेटिव होते हैं, इस तरीके से दो तीन कलर शेड में होते हैं एंड वेरी हार्डी एंड लो केयर प्लांट होते हैं, इनको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनके जो फ्लावर होते हैं उससे सेल्फ जर्मिनेशन भी होता रहता है, ये दूसरी वेराइटी है रियो प्लांट की। यहाँ पर हम ग्रीन फॉलिएज वाले ये खूबसूरत से प्लांट जो देख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन ग्रास लग रहा है, ये है एक तरह का फर्न होता है और ये एस्पेरगस फैमिली से ही आते हैं, बड़ा ही लो केयर और हार्डी प्लांट होते हैं जो धूप ठंडी गर्मी सभी में काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। यहाँ पर है पॉपुलर परमानेंट हाउस प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्रेसना रिफ्लेक्सा जो सिंगल कलर ग्रीन कलर में है, इसकी वेरिएटेड वैरायटी भी आती है।
ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, वेरीगेटेड सॉन्ग ऑफ इंडिया है जो ड्रेसना रिफ्लेक्सा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी खूबसूरती के कारण ये पॉपुलर हाउस प्लांट होते हैं। इनको स्टेम कटिंग से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनको बूशी बनाकर भी रख सकते हैं। वेरीगेटेड सॉन्ग ऑफ इंडिया दो कलर शेड में होता है, येलो और पैरट कलर। लुक वाइज ये थोड़े से स्पाइडर प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, बट इसके लीफ जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। यहाँ भी है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये देखिए, जिसको हम विंडो ब्राइट लाइट में काफ़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं इंडोर। यहाँ पर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी ग्रीन कलर में आपने बहुत कम देखा होगा, वैसे तो ये वेरीगेटेड और स्ट्रिप वाले हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर स्पाइडर प्लांट का फ्लावर और बेबी प्लांट है, ये वेरीगेटेड स्पाइडर प्लांट है जो दो कलर शेड में है। यहाँ भी आप देख सकते हैं हैंगिंग पॉट में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी बड़ा ही खूबसूरत ग्रीन फॉलिएज वाला प्लांट होते हैं, जिसके डिज़ाइनर लीफ और इनके जो कलरफुल लीफ होते हैं हमारे गार्डन को एक अलग ही लुक प्रोवाइड करता है। आप देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन ग्रीन चारों तरफ ग्रीनरी स्प्रेड करते हैं हमारे गार्डन में ये। इनको प्रोपगेट करना भी बहुत ईजी होता है, स्टेम कटिंग से इनको वाटर सॉइल दोनों में प्रोपगेट कर सकते हैं। मनी प्लांट को मॉस स्टिक से इस तरीके से हम क्लाइंबर बना सकते हैं, एंड ये प्लांट जो होते हैं हैंगिंग पॉट में भी अच्छे लगते हैं। ये बॉक्स वुड प्लांट होते हैं, ये भी अपने डिज़ाइनर लुक की वजह से एंट्रेंस पे डेकोरेट किया जाता है। इसमें ग्रीन और इस पे वेरीगेटेड वेराइटी वाले भी छोटे छोटे लीफ वाले ये प्लांट होते हैं, जो बड़ा ही डेकोरेटिव होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं ये। ये मिनी लीफ वाले जो प्लांट आप देख रहे हैं, दो कलर शेड में है इसके छोटे छोटे लीफ। और ये है सेडम लीनिया जो सॉकलैंड फैमिली से ही आते हैं। इसमें देखिए फ्लावर भी आ रहा है, येलो कलर में छोटा छोटा फ्लावर है। ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है, इसके फॉलिएज बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी सॉफ्ट और डेलिकेट प्लांट होते हैं, जिनके स्टेम कटिंग हम लगा सकते हैं वेरी ईजली। यहाँ पर आप ट्राइडस्केंटिया देख सकते हैं जो वेरीगेटेड है, एंड ये स्पाइडर वोट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बड़ा अच्छा लगता है, इसके लीफ देखिए दो कलर शेड में है। इस तरीके से धारियां बनी होती है इनके लीफ पर, और ये हैंगिंग पॉट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। वाइन और क्लाइंबर भी होते हैं ये प्लांट, जो सालों भर गार्डन में हमारे ऐसे ही ग्रीनरी स्प्रेड करते हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं ये। वांडरिंग जीव को हम कैसे भूल सकते हैं, ये भी बड़ा ही खूबसूरत और कलरफुल प्लांट होते हैं। वाइन और क्लाइंबर भी ये होते हैं जो हैंगिंग पॉट में अच्छे लगते हैं। सालों भर ये हमारे गार्डन में बने रहते हैं, फ्रॉस्ट विंटर को छोड़कर ये पूरे साल ही बहुत अच्छी ग्रोथ में होते हैं, एंड ये नए नए स्टेम्स और ब्रांचेज हमेशा ही प्रोड्यूस करते हैं, एंड इनकी कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है। देख सकते हैं इसके जो ये कलर शेड है कितना खूबसूरत है, बिल्कुल मोर की पंख की तरह ये लुक में होता है। पेप्रोमिया भी, जो रेड रिपल के नाम से जानते हैं, ये भी बड़ा ही खूबसूरत और कलरफुल लीफी प्लांट होते हैं। इंडोर प्लांट होते हैं, बट ये सालों भर बने रहते हैं एज इट इज़, परमानेंट प्लांट होते हैं ये। यहाँ पे है इंग्लिश आईवी, ये भी कलरफुल एंड वेरीगेटेड आईवी होते हैं, जिसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। ये वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी। यहाँ पे इंग्लिश आईवी की दूसरी वैरायटी, और आप इसके लीफ देख सकते हैं कितना डेकोरेटिव है, दो तीन कलर शेड में है, एंड ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल हार्डी प्लांट है, लो केयर है, या यूँ कहें इग्नोरेंट प्लांट है। इस तरीके से ये वाइन और क्लाइंबर होते हैं, जो हैंगिंग पॉट में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इनको भी कटिंग से हम नए नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कलरफुल प्लांट है पायरिया कैडली, एंड इसे वाटरमेलन और एल्युमिनियम प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉपुलर हाउस प्लांट होता है, जो छोटे छोटे पॉट में भी काफ़ी ईजिली हम लगा सकते हैं।